हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस के डेटा टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है टेक्स्ट, नंबर, मेमो, करेंसी, डेट एंड टाइम। इस प्रकार से अलग डेटा टाइप्स होते हैं एमएस एक्सेल में। तो डाटा की प्रकृति के आधार पर डाटा टाइप्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो होता है, इस प्रकार के डेटा में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती। इसमें केवल नेम, क्लास, सिटी, एड्रेस, मतलब अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं। और इसमें 255 कैरेक्टर या लेटर आप इसमें लिख सकते हैं। सेकंड है नंबर। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। इसकी फील्ड में आप आसानी से नंबर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे मार्क्स, परसेंटेज, है ना। परसेंटेज के बाद में आप इसमें रोल नंबर ऐड कर सकते हैं, जिप कोड ऐड कर सकते हैं, पिन कोड ऐड कर सकते हैं, ये टाइम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नंबर में ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। तो डेट एंड टाइम का डेटा टाइप जो होता है, उसमें डेट एंड टाइम को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल बनी हुई है, डेटा टाइप्स, डेटा डेट फॉर्मेट और एग्जाम्पल। तो डेटा टाइप्स कौन सा है? फर्स्ट हमारा जनरल। जनरल में इस प्रकार से इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि पहले मंथ डला है तो यहाँ पे मंथ है, डेट डली हुई तो डेट है, और ईयर है तो यहाँ पे 2011 अब हमारा ईयर है। इसके बाद है टाइम, तो टाइम यहाँ पे डला हुआ है। इसके बाद लॉन्ग डेट में कैसे लिखना चाहते हैं हम, तो लॉन्ग डेट में ऐसा लिखा है मंथ, डे, ईयर। तो मंथ क्या हो जाता है हमारा? नवंबर, ठीक। इसके बाद डे जो हो जाता है फ्राइडे, और ईयर जो है वो 2011। इस प्रकार से मीडियम, मीडियम डेट में क्या लिखाएगा? डीडी मंथ वाई, मतलब डेट डलेगी फिर मंथ लिखाएगा और यहाँ पे फिर ईयर लिखाएगा। इसके बाद शॉर्ट में MMDDYY, केवल यहाँ पे डेट दिखाएगी, मंथ और ईयर दिखाएगा। टाइम के फॉर्मेट भी कुछ इस प्रकार है। लॉन्ग टाइम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हावर्स, मिनट, सेकेंड, AM PM, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम टाइम, इसमें मीडियम टाइम में आपको HH, MM, SS, हावर, मिनट्स और सेकेंड किस प्रकार से दिए हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। शॉर्ट टाइम में आप केवल हावर्स और सेकेंड डाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट्स, तो ये टेबल है वो डेट एंड टाइम की है। नेक्स्ट है हमारा करेंसी। तो करेंसी का यूज़ हम पे, जो हमारा पैसा होता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। आपको पता होगा प्रत्येक देश की अपनी खुद की एक करेंसी होती है, जिसका उसका खुद का एक चिन्ह होता है या सिंबल होता है। तो यहाँ पे जैसे ये फीस लिखी हुई है, इस प्रकार से जहाँ फीस की बात होती है या फिर पैसे की बात होती है, वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? करेंसी का यूज़ करते हैं। मेमो, यह एक विशेष प्रकार का डेटा टाइप्स होता है। इसमें टेक्स्ट को स्टोर करने की कोई सीमा नहीं होती, मतलब आप इसमें 255 से ज़्यादा टेक्स्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या है हमारा? करेंसी। इस फील्ड में वेबसाइट या मेल आईडी को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है OLE ऑब्जेक्ट। तो इसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग होता है। इसमें किसी भी फाइल को लिंक कराकर आप आसानी से लेकर आ सकते हैं, और जिस पर आप, जो लिंक आप लेकर आते हैं उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो कैसी होती है, ओपन करके आप उसको देख भी सकते हैं। तो कैसे देखते हैं? इंसर्ट मेनू पर क्लिक करते हैं, जिसमें एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिस ऑब्जेक्ट में आपको क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल पर। जैसे आप क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, आपको फाइल को सिलेक्ट करने के लिए लोकेशंस दी जाएगी कि आपको किस फाइल की लिंक को लेकर आना है। उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल। इसमें लॉजिकल डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें केवल हम दो ऑप्शन का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यस नो, ट्रू फॉल्स, नो ऑफ, है ना। इस जैसे यस है तो यस का हम पासिंग मार्क्स में यूज़ कर सकते हैं कि यदि किसी ने ट्वेल्थ किया है तो क्या वो पास है, तो अपन यस का यूज़ करेंगे। यदि वो पास नहीं है तो
नो का यूज करेंगे। इस ये जो यस और नो का यूज है वो फॉर्म वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटो नंबर। इस डेटा टाइप से सीरियल नंबर अपने आप आते हैं, इसका यूज सीरियल नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फील्ड प्रॉपर्टी इन एमएस एक्सेस। तो इनकी जो फील्ड प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, निम्न प्रकार की हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा फील्ड साइज। इसमें आप फील्ड के साइज को चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसमें टेबल के फील्ड के साइज को निर्धारित किया जाता है कि उसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। टेक्स्ट में यह 0 to 255 कैरेक्टर होते हैं एवं नंबर में दिए गए फॉर्मेट में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है कैप्शन। जब हम फॉर्म या रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं तब इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इसमें दो कैप्शन होते हैं, उसका यूज आप अपने फॉर्म या रिपोर्ट में कर सकते हैं, जिससे वहां पर लेबल दिखने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रॉपर्टी लगभग सभी टाइप्स की में यूज की जाती है। जो ऊपर टेबल के ऊपर जो हेडिंग्स लिखी होती है वो क्या है, कैप्शंस के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में डाटा को किस फॉर्मेट में लिखना है ये किसके द्वारा, किस फील्ड प्रॉपर्टी द्वारा बताया जाता है, फील्ड प्रॉपर्टी द्वारा। फॉर्मेट की जो फील्ड प्रॉपर्टी होती है, तो फील्ड में डाटा को किस फॉर्मेट में लिखना है इसका निर्धारण कैसे करना है, यह एक महत्वपूर्ण फील्ड प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स या अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं और उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट जो होगा वो आपका जो डाटा रहेगा वो उसी फॉर्मेट में आपको इनपुट शो कराएगा। नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू। इस फील्ड प्रॉपर्टी में उस वैल्यू को सेट करना होता है जिस फील्ड में डाटा डिफॉल्ट रूप से सेट करना है। इसके बाद आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, इससे जिससे क्या होता है टेबल में डाटा इनपुट करने में आसान होता है। डाटा वैलिडेशन रूल्स, यह टेबल में डाटा को इनपुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। यदि हमें किसी टेबल में डाटा को इनपुट करना है तो उसके लिए वैलिडेशन रूल क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें डाटा को इनपुट करने के लिए नियम्स होते हैं जिससे गलत डाटा इनपुट नहीं हो जाता। इसमें ये चीज़ होती है कि यदि आपका कोई डाटा गलत है तो वो इसमें स्टोर नहीं कर सकते। इसमें हम फंक्शंस, फॉर्मूला, मैथमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब की हेल्प से इसमें सही डाटा इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनपुट मास्क। इसमें फील्ड में कितने लेटर को इनपुट करना है और किस प्रकार के अक्षर को इनपुट करना है इसको निर्धारित किया जाता है। इसमें हम अलग अलग सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रीज कॉलम इन एमएस एक्सेस। तो यदि हमें अपने टेबल्स के कुछ कॉलम्स को फ्रीज करना का मतलब होता है जमाना है, तो उसके लिए हम फ्रीज कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं। तो कॉलम को फ्रीज करने के लिए उस स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं किया जाता। यदि आपने कॉलम को फ्रीज कर दिया है तो आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते। जिस कॉलम को फ्रीज करते हैं वह टेबल में पहले स्थान पर आ जाता है, उसके बाद उसको मूव नहीं किया जा सकता। यदि आपको उसे मूव करना है तो उसके लिए हमें अनफ्रीज का यूज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए निम्न स्टेप का यूज करते हैं। सबसे पहले फ्रीज कॉलम को ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करते हैं जिसमें एक ऑप्शन आता है फ्रीज कॉलम पर क्लिक करते हैं, जिससे कॉलम क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसके बाद है यदि कॉलम फ्रीज हो गया मतलब जम गया है और आपको उसे रिमूव करना है या मूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम को अनफ्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोसेस वही रहेगी, यहाँ पे अनफ्रीज कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट कॉलम पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे फ्रीज की जगह पे हम अनफ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा जो कॉलम रहेगा वो कैसा हो जाएगा, अनफ्रीज रहेगा। ये देखिए इस प्रकार से जो ब्लैक कलर से हाईलाइट हुआ है यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट किया गया है। इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक किया गया है। यदि आप अनफ्रीज करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे अनफ्रीज ऑप्शन का यूज़ भी किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।